हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि इससे जो एग्जाम में लगभग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके हैं क्या। तो सबसे पहले अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो सबसे पहले अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है क्या, CaSO4। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा ऑफ पेरिस को मैं आप सबसे पहले लगाएंगे CaSO4, फिर इसमें आप ऐड करेंगे दैट इज आप कितने वाटर को ऐड करेंगे, हाफ H2O। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaSO4.5H2O, ये आपका होता है, जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना। इसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में, तो देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो देखो, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं, अगर देखो मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको लिखता हूँ, दैट इज CaSO4.5H2O, ये आपका क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप इसे वाटर को ऐड करते हैं तब ये क्या बनाता है, आपका जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है। वही जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये हमारा होता है क्या, जिप्सम। तो ये जिप्सम होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें आपको कितने वाटर को ऐड करना पड़ेगा, प्लस हाफ। तो यहाँ से हाफ वाटर, यहाँ से मतलब कि 1/2 वाटर यहाँ से, 1/2 वाटर यहाँ से, अब कितने वाटर मिल जाएंगे, 2 वाटर। तो इस तरह से हमारा क्या, हमने देख लिया किसको, जिप्सम को, कि जिप्सम हमारा किस तरह से बनता है। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बनेगा, तो अगर हमने क्या किया, जैसे हमने पीओपी में वाटर को ऐड किया तो हमारा जिप्सम बना। तो हम ऐसा भी काम कर सकते हैं कि अगर हम जिप्सम में से वाटर को निकाल लें तो हमारा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो एक और केमिकल रिएक्शन लिखते हैं क्या, कि जो हमारा किस तरह से पीओपी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा किस तरह से फॉर्मेशन होता है पीओपी का। तो सबसे पहले आपको क्या है करना पड़ेगा, जिप्सम लेना पड़ेगा। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी देखा था कि CaSO4.2H2O, ये हमारा क्या है, ये आपका जिप्सम। तो जिप्सम में अगर हम जैसे क्या करेंगे, हम इसे हीट कर देंगे। अब इसे हीट करेंगे वो कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन। अगर आप इतने टेम्परेचर पर हीट करेंगे जिप्सम को तो क्या होगा, इसे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल, ½H2O। अगर ½H2O इससे निकल जाएगा तो 2 में से हाफ निकल, मतलब 1/2 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, ½H2O। तो ½H2O जो बचेगा ये हमारा किस में आ जाएगा, CaSO4.5H2O। ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना हो तो आप क्या करेंगे कि जिप्सम को आप हीट कर देंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप वाटर को ऐड कर देंगे तो आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिप्सम का। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिप्सम क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि देखो जैसे अगर हम क्या करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जैसे पीओपी जो जो होगा शुरू में, जब पीओपी को आप देखेंगे तो आपका क्या होता है, पाउडरी फॉर्म में होता है। तो किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो पहले भी तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उसका तुरंत बाद उसको किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इसलिए हम देखो, इसलिए हम क्या करते हैं कि पीओपी का हमारे कौन कौन से यूजेज हैं उसे भी देख लेते हैं। तो पीओपी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो पीओपी का यूज डॉक्टर करते हैं, जब अगर बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर क्या करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं, ताकि जो हमारे बोन को एक स्टेबल कर सके। और आप देखते होंगे कि जैसे उसमें वाटर मिलाया जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो जब हमारे जैसे अगर वो हाथ के अगर बोन फ्रैक्चर हो गई है, हैंड के बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो क्या करेगा, उस पर जैसे पीओपी लगाएगा तो जो पीओपी होता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इसमें से हमारे क्या होता है, जैसे हम वाटर मिलाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है आपका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का यूज क्या है कि अगर हमारे पास कोई मूर्ति वगैरह बनानी होती है तो भी हम किसका यूज करते हैं, पीओपी का। तो अगर कोई सी मूर्ति वगैरह बनानी होती है उसके लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। तो पीओपी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आपको पीओपी का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बोलना है, जिप्सम का फॉर्मूला आपको नहीं बोलना है, और ये केमिकल रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपका पीओपी का फॉर्मेशन होता है। तो पीओपी का फॉर्मेशन इस तरह से हमारा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।